हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और इससे तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 10 फॉर द मंथ ऑफ जून। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर का जो आपका पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी हैज सिक्योर्ड कॉर्पोरेट एजेंट लाइसेंस फ्रॉम द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो IRDAI ने रिसेंटली कॉर्पोरेट एजेंट लाइसेंस दिया है मुथूत माइक्रोफिन लिमिटेड को, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब सबसे पहले तो माइंड में यही आ जाता है कि कॉर्पोरेट एजेंट लाइसेंस क्या होता है, ठीक है। बेसिकली जिस कंपनी को ये लाइसेंस दिया जाता है, ये कंपनी इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल कर सकती है, बैंक इंश्योरेंस टाई अप कर सकती है, ठीक है। बेसिकली बैंक या आपके NBFC के थ्रू ये जो है टाई अप कर सकती है अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कस्टमर्स को, ठीक है। अब मुथूत माइक्रोफिन लिमिटेड की बात करें तो इसकी शुरुआत 2010 में की गई थी। हेडक्वार्टर कोची केरला में लोकेटेड है एंड इसके करंट CEO है सदैव सबीद, ओके। नेक्स्ट इज, विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली इन जून इंटीग्रेटेड विद द इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, दैट इज IRCTC, टू इनेबल एम्बेडेड ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट दैट इज GPA पॉलिसीज टू बी ऑफर्ड अलॉन्ग साइड अ ई टिकट परचेजेस थ्रू इंसिलियन API प्लेटफॉर्म। तो रिसेंटली देखो, जब भी आपने IRCTC की जो बेसिकली जो आपने टिकट बुक किया होगा, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है, कि आप इसे अगर आप क्लिक करते हो तो जो ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी होती है वो हो जाती है। बेसिकली यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा मनी आपको पे करना होता है और आपका ट्रैवल इंश्योरेंस यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। अब इन केस जैसे खुदा ना खास कभी ऐसा हो जाए कि एक्सीडेंट हो जाए और पर्सन की डेथ हो जाए, ठीक है, ABC पर्सन है, उसकी डेथ हो जाती है, इन दैट केस यहाँ पे उसकी फैमिली को जो है ये पॉलिसी मिल जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो इंश्योरेंस यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, ट्रैवल इंश्योरेंस, ये प्रोवाइड कौन कर रहा है, ठीक है, IRCTC के साथ मिलके। तो ये प्रोवाइड किया जा रहा है रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस द्वारा, ठीक है। एंड अब यहाँ पे क्या बोला है कि क्या एक यहाँ पे एक नाम आपको देखने को मिल रहा है इंसिलियन API प्लेटफॉर्म का, ठीक है, इसी के थ्रू यहाँ पे ये परचेज किया जा रहा है। अब ये बेसिकली कर क्या रहा है, ये आपके न्यूयॉर्क फॉर्म है, न्यूयॉर्क बेस्ड फॉर्म है, जो यहाँ पे जो आपके मल्टी प्लेटफॉर्म है, जैसे जो इनकी IRCTC की जो इनकी वेबसाइट हो गई या इनकी ऐप हो गई, इनमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर ये वाली सर्विसेज हमें हर जगह प्रोवाइड करनी है तो ये लिंक्ड होने चाहिए, ठीक है, इनकी वेबसाइट, इनके ऐप्स या अदर कोई प्लेटफॉर्म अगर है तो उन सबको ये क्या कर रहा है, इंटरलिंक कर रहा है, ठीक है, मल्टी प्लेटफॉर्म को इंटरलिंक किया जा रहा है API के थ्रू। API क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है, इसके द्वारा आपका इनसिलियन जो है यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ये क्लियर है। नाउ अब यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस जो है इसकी शुरुआत 2000 में की गई थी। हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है और इसके करंट चेयरमैन है SVG, ठीक है। IRCTC की बात करें तो इसकी शुरुआत 1999 में की गई थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और करंट CMD है संजय कुमार, ओके। नेक्स्ट है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट रिसेंटली इन जून स्टेटेड दैट इंडियाज करंट अकाउंट डेफिशिट CAD रिड्यूस टू 0.7% ऑफ अ GDP इन फाइनेंशियल ईयर 2024 फ्रॉम 2% ऑफ अ GDP इन अ फाइनेंशियल ईयर 2023। तो ये डेटा जो है ये दिया गया है बाय द RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये डेटा दिया है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओके। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हु इज द करंट गवर्नर ऑफ RBI, ओके। नेक्स्ट है, नेम द पर्सनालिटी हु गॉट अ 1 ईयर एक्सटेंशन फ्रॉम अ अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट दैट इज ECC टू सर्व एज अ डायरेक्टर ऑफ अ इंटेलिजेंस ब्यूरो अंटिल 30 जून 2025। तो जो तपन कुमार देखा है, ठीक है, इनका 1 ईयर का एक्सटेंशन इनको दिया गया है बाय द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट टू सर्व एज अ डायरेक्टर ऑफ अ इंटेलिजेंस ब्यूरो दैट इज IB। IB का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है और इसे 1887 में बनाया गया था, ठीक है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जून 2024 अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एक्सटेंशन इन सर्विस ऑफ डैश एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ अ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ अ 1 ईयर।
तो यहाँ पे बेसिकली जो भारत लाल जी हैं, इनका अपॉइंटमेंट जो है, इनका एक्सटेंशन किया गया है, इनके सर्विसेज का एक्सटेंशन किया गया है 1 साल, ठीक है, जो कि करेंटली सर्व कर रहे हैं सेक्रेटरी जनरल नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, ठीक है। अब यहाँ पे इनका जो टेन्योर है वो आपका रहेगा अंटिल 30 जून 2025, ठीक है। नाउ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, तो इसके करंट चेयरमैन है विजया भारती सयानी, हेडक्वार्टर इनका इसका लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में, और इसे 1993 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। यहाँ पे इमेज देख सकते हैं आप इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंपनी टू डिजाइन एंड डेवलप अ मिनिएचराइज्ड सैटेलाइट केपेबल ऑफ कैरिंग मल्टीपल एडवांस पेलोड अप टू 150 kgs फॉर अ इंडियन एयरफोर्स। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? तो इट इज स्पेस पिक्सल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी। और इसी के साथ इन्होंने 350th कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है IDX इनिशिएटिव का, क्लियर है। नाउ सिग्नेटरी यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपके स्पेस पिक्सल के CEO यहाँ पे हैं आपके अवेस अहमद, नदीम अल्दुरी और अनुराग वाजपेयी, ये एडिशनल सेक्रेटरी हैं आपके एंड CEO हैं IDX डिफेंस के, ठीक है। नेक्स्ट है, द पासपोर्ट सेवा दिवस इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन। तो पासपोर्ट सेवा दिवस आपका 24 जून को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, और इस बार हमने इसका 12th एडिशन ऑब्जर्व किया था 2024 में, ठीक है, 12th पासपोर्ट सेवा दिवस हमने ऑब्जर्व किया था। नाउ अब जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया था पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट 2010 में। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये प्रोजेक्ट आपका कब लॉन्च किया जाए गया था, 2010 में लॉन्च किया गया था, और इसका मेन एम क्या था, इंक्रीज करना एंड इम्प्रूव करना डिलीवरी ऑफ पासपोर्ट सर्विसेज टू इंडियन सिटीजन, ठीक है। पहला हमारा जो पासपोर्ट सेवा दिवस था उसे कब मनाया गया था, 2013 में इसे मनाया गया था। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के डेटा की बात करें तो इन्होंने क्या बोला है कि इन्होंने 2023 में प्रोवाइड किए थे 1.65 करोड़ ऑफ अ पासपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज टू द इंडियन सिटीजन विद अ मंथली सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन क्रॉस्ड ओवर 14 लाख, जो आपका 15% एनुअल ग्रोथ दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज, विच कंट्री होस्टेड द 50th G7 समिट फ्रॉम 13th to 15th June 2024। तो G7 समिट अभी हुआ था आपका इटली में, ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब इटली का ये 7th आपका एडिशन था, ठीक है, इटली का, इटली में बेसिकली ये 7th टाइम ये जी समिट हुआ था। इससे पहले भी 1980 में, 1987, 1994, 2001, 2009, 2017 इनमें जो है इटली ने होस्ट किया था G7 समिट को, ठीक है। अब जो ये 50th समिट था, 50th एडिशन जो था आपका, इसमें जो यूएसए है, यूएसए के जो जो बाइडन है प्रेसिडेंट हैं यूएसए के, और व्लादिमिर जेलेंस्की जो आपके यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, इन दोनों के बीच 10 ईयर का बायलेटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन हुआ है, ठीक है। इंडिया के जो प्रधानमंत्री है वो भी यहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और यहाँ पे जो इटली की आपकी पीएम है जियोर्जिया मेलोनी, इन्होंने इनविटेशन दिया था इंडिया को इस समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। नाउ इटली की प्राइम मिनिस्टर अभी हमने पढ़ा जियोर्जिया मेलोनी है, कैपिटल इसकी रोम है, करेंसी है यूरो। अब कभी कभी पूछ लिया जाता है प्रीवियस एडिशन के बारे में, तो प्रीवियस एडिशन आपका हुआ था हिरोशिमा जापान में, और नेक्स्ट एडिशन जो है 51 एडिशन ये आपका होगा कनाडा में 2025 में, क्लियर है। नाउ अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो G7 ग्रुप है इसके मतलब जो एडवांस इकोनॉमीज के ये आपके ग्रुप हैं, वर्ल्ड की जो एडवांस कंट्रीज हैं उनका ये ग्रुप है इनफॉर्मल ग्रुप। अब इस G7 में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, रिसेंटली इन जून द अमित शाह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो यूनियन मिनिस्टर हैं इन्होंने लॉन्च किया है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम, जो बेसिकली आपका जैसे ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम है यूएसए का वैसा ही है, फॉर इंडियन नेशनल्स एंड ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर एट अ टर्मिनल 3 ऑफ विच अमंग द फॉरिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो कौन से एयरपोर्ट पे इसे जो है इन्होंने लॉन्च किया था, इसे लॉन्च किया था इन्होंने टर्मिनल 3 ऑफ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब FTI TTP जो है ये इंप्लीमेंट किया गया था ऑनलाइन पोर्टल से, एंड जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है इट विल बी अ नोडल एजेंसी फॉर द फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ ट्रेवलर्स अंडर दिस प्रोग्राम, ठीक है। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे जो एलिजिबल इंडिविजुअल्स हैं दे मस्ट अप्लाई ऑनलाइन सबमिटिंग देयर बायोमेट्रिक्स
जैसे फिंगरप्रिंट, फेशियल इमेजेस हो गए आपके, अलॉन्ग विद द अदर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। देन बायोमेट्रिक्स कैन बी प्रोवाइडेड एट अ डेजिग्नेटेड इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया और द नियरेस्ट फॉरनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, दैट इज FRRO, ठीक है। अब जो FTI रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होगा, ये आपका वैलिड रहेगा 5 साल तक या फिर अनटिल दी पासपोर्ट एक्सपायरेशन, ठीक है। एन एप्लीकेंट मस्ट इंश्योर अ मिनिमम पासपोर्ट वैलिडिटी ऑफ अ 6 मंथ, क्लियर है। नाउ FTI TTP जो है, इट विल बी लॉन्च्ड एट अ 21 मेजर एयरपोर्ट इन इंडिया एंड फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल पैसेंजर्स, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम द पर्सनालिटी हु हैज लॉन्च अ नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024। तो इनमें से कौन से आपके यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने लॉन्च किया था आपका नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन को? तो ये आपके हेल्थ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है JP नड्डा या जगत प्रकाश नड्डा, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ इस कैंपेन का स्लोगन क्या था? डायरिया की रोकथाम, सफाई और ORS से रखें अपना ध्यान, ठीक है, ये कैंपेन का आपका स्लोगन था। नाउ मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस कैंपेन का? कि हमें अचीव करना है 0 child deaths ड्यू टू चाइल्ड डायरिया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 मंथ का जो है ये कैंपेन है, ठीक है, विद अ प्री पोजिशनिंग ऑफ अ 2 ORS पैकेट्स एंड जिंक एज अ को पैकेजिंग टू द अंडर 5 children, ओके। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन कौन है? इनका नाम है अनुप्रिया पटेल एंड दूसरे हैं जादव प्रतापारो गनपत्रो, ठीक है। नेक्स्ट है, इन जून 2024 द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, दैट इज इन स्पेस, साइन एन MOU विद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम ऑफ डैश, कौन सी कंट्री है ये आपको बताना है, टू एनहांस कॉरपोरेशन इन अ स्पेस टेक्नोलॉजी एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो रिसेंटली जो बांग्लादेश की PM है शेख हसीना जी, उनका विजिट इंडिया में हुआ था और उसी दौरान बांग्लादेश की जो मिनिस्ट्री है, इन्होंने इन स्पेस के साथ जो है MOU साइन किया है, ठीक है। आंसर हम यहाँ पे आपको हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब जो MOU है इसे साइन किया था चेयरमैन एंड CEO ऑफ बांग्लादेश सैटेलाइट कंपनी विच इज शाहजहान महमूद एंड इंडिया सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस S सोमनाथन जी ने, ठीक है। नाउ अदर MOUs की बात करते हैं जो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में साइन हुए हैं। तो पहला आपका MOU है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और बांग्लादेश की जो मिनिस्ट्री है, इनके बीच में यहाँ पे ये MOU साइन हुआ है ऑन एनहांसिंग रेलवे कनेक्टिविटी एंड प्रोवाइडिंग स्मूदर क्रॉस बॉर्डर ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट है, कॉरपोरेशन इन ओशनोग्राफिक, तो बांग्लादेश के ओशनोग्राफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज BORI एंड इंडिया का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफिक, इनके बीच में MOU साइन हुआ है। देन आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इंडिया की और बांग्लादेश की मिनिस्ट्री ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिलीफ के बीच में MOU जो है ये साइन हुआ है एंड यहाँ पे इसे रिन्यू किया गया है टू स्ट्रेंथन डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज एंड रेसिलेंस एफर्ट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है। नेक्स्ट आपका MOU है जो डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज, दैट इज DSSC वेलिंगटन एंड डिफेंस सर्विस कमांड एंड स्टाफ कॉलेज ऑफ मीरपुर, इनके बीच में MOU साइन हुआ है, दैट विल एनहांस मिलिट्री एजुकेशन एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज कॉरपोरेशन, ओके। नेक्स्ट इज, विच प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज लॉन्च अ डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म स्मार्ट वेल्थ, ठीक है। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसने स्मार्ट वेल्थ जो है डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ताकि आपकी जो वेल्थ है उसको इंक्रीज किया जा सके? तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज HDFC बैंक, ठीक है। कौन सा बैंक है? HDFC बैंक है और इन्होंने यहाँ पे HDFC स्मार्ट वेल्थ जो है इसे लॉन्च किया है, इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। अब इस प्लेटफॉर्म की मदद से यहाँ पे आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड्स में, ठीक है, बैंक डिपॉजिट कर सकते हो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, बॉन्ड्स आप ले सकते हो, तो इस टाइप के यहाँ पे चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। नाउ HDFC बैंक की बात करें तो इसकी शुरुआत 1994 में की गई थी। करंट MD एंड CEO है शशिधर जगदीशन, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में एंड इट्स टैगलाइन इज वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ओके। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज कंस्टिट्यूटेड अ 15 मेंबर वर्किंग ग्रुप टू रिव्यू डेरिवेटिव ट्रेडिंग नॉर्म्स। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 15 मेंबर का वर्किंग ग्रुप जो है वो आपका बनाया है, ठीक है। तो इट वॉज डन बाई द सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इसे कॉन्स्टिट्यूट किया है, विच इज हेडेड बाय जी पद्मभान, ठीक है, जो फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपके हैं RBI के, फाइन। अब सेबी की बात करें तो इसे एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी स्टैब्लिश किया गया था 1992 में, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और करंट चेयरमैन इसके हैं मदाबी पुरी पुच, ओके।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज साइन एन एमओयू विद इंडियन आर्मी फॉर अ सैलरी अकाउंट। तो सैलरी अकाउंट के लिए जिसका नाम है गौरव बचत सेविंग बैंक सैलरी अकाउंट, ये बेसिकली साइन किया गया है पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, और इस अकाउंट का पूरा नाम है PSB गौरव बचत सेविंग बैंक सैलरी अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके आर्मी पर्सन हैं, ठीक है, आर्मी पर्सनल्स हैं या एक्स रिटायर्ड, मतलब रिटायर्ड आपके आर्मी पर्सन हैं, ठीक है, एक्स सर्विस मैन हैं, उन सभी के लिए ये आपका अकाउंट जो है वो अवेलेबल है। इवन जो अग्निवेश एनरोल्ड हुए हैं अभी, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इस MOU का फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो आपके पर्सनल्स हैं या रिटायर्ड पर्सन हैं, ठीक है, उनको इसके तहत एक्सीडेंट पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, डेथ या अगर डिसेबिलिटी होती है, इन दैट केस यहाँ पे उनको कवर अप दिया जाएगा अप टू ₹1 करोड़, वेर एज अगर एयर एक्सीडेंटल कवर होता है 1.2 करोड़ का यहाँ पे जो है एक्सीडेंटल कवर दिया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो आपका सैलरी अकाउंट है इसमें डिस्टिंक बैंकिंग जो है वो यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, डिस्टिंक बैंकिंग रिक्वायरमेंट ऑफ अ सर्विंग एंड रिटायर्ड पर्सनल, ये उनके लिए बनाया गया है। ठीक है, साथ में ही वीर नारीस, बेसिकली जो स्पाउस होंगी मैट्रियार्की, उनके लिए भी यहाँ पे बेनिफिट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। तो पंजाब एंड सिंध बैंक के MD एंड CEO कौन है, इनका नाम है स्वरूप कुमार शाह, हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली, दिल्ली में। 1908 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था एंड इसकी टैगलाइन है वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज लॉन्च अ UPI ऐप सुपर डॉट मनी टू ऑफर डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने UPI ऐप आपकी लॉन्च की है जिसका नाम है सुपर मनी। ठीक है, सुपर डॉट मनी, तो आंसर इज इट वॉज डन बाय दी फ्लिपकार्ट। ठीक है, फ्लिपकार्ट ने से जो है लॉन्च किया था। अब इस ऐप के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट डिपॉजिट सारी चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, और जो ऐप है ये अवेलेबल है आपके इन पार्टनरशिप विद द एक्सिस बैंक लिमिटेड एंड ये ऑफर करती है क्रेडिट थ्रू द उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। ठीक है, नाउ आपके अदर फाइनेंशियल पार्टनर्स कौन है सुपर डॉट मनी के, इनका नाम है DMI फाइनेंस एंड क्रेडिट सेशन। ओके, नेक्स्ट इज एज पर द डेटा रिलीज बाय द RBI इंडियाज एक्सटर्नल डेप्ट एज ऑफ मार्च एंड 2024 वॉज डैश। तो इंडिया का एक्सटर्नल डेप्ट कितना था as of the March end 2024, ये आपका था 663.8 billion का। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ई। नाउ अब इसमें यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया था दैट इज कि इसमें आपका 39.7 billion US dollar का इंक्रीज हमें देखने को मिला है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम गवर्नमेंट का एक्सटर्नल डेब्ट की बात करें तो ये आपका 4.2% था इंडिया की GDP का एंड नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर की अगर हम बात करें इसका एक्सटर्नल डेब्ट आपका 14.5% का था। ठीक है, ऑफ द इंडियाज GDP। ओके, नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज साइन एन अग्रीमेंट विद अ जर्मन फर्म टू कंस्ट्रक्ट 4 मल्टीपर्पज वेसल। तो इनमें से कौन सी आपकी शिप बिल्डिंग कंपनी है जिसने MOU साइन किया है, जिसने अग्रीमेंट साइन किया है 4 मल्टीपर्पज वेसल्स बनाने के लिए जर्मन फर्म के साथ। ठीक है, तो ये आपकी कंपनी है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ठीक है, आंसर अब यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे 4 मल्टीपर्पज वेसल जो है ईच ऑफ अ डेड वेट टोनेज ऑफ अ 7500 एट अ कॉस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 54 मिलियन US dollar। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट आपकी 54 मिलियन US dollar की है और इस लागत से ये आपके 4 मल्टीपर्पज वेसल्स जो हैं वो बनाए जाएंगे विद इन अ 33 मंथ्स। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अगर हम अदर मेजरमेंट्स की बात करें इसकी तो 120 मीटर लॉन्ग ये आपका वेसल बनाया जाएगा, 17 मीटर वाइड एंड विद अ मैक्सिमम ड्राफ्ट ऑफ अ 6.75 meters एंड ईच वेसल विद अ सिंगल कार्गो होल्ड टू एकोमोडेट बल्क जर्नल एंड प्रोजेक्ट कार्गोस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज रिसेंटली इन जून K-pop ग्रुप 17 हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डैश। तो इन्हें अपॉइंट किया गया है यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर फॉर यूथ। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ यूनेस्को और K-pop ग्रुप जो है 17, इन्होंने मिलके एक जॉइंट प्रोग्राम जो है उसे लॉन्च किया है जिसका नाम है गोइंग टूगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेलबींग। ओके, नाउ अब 17 ग्रुप जो है K-pop ग्रुप, इन ये यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे 1 billion US dollar का टू फाइनेंस
दिस इनिशिएटिव, ठीक है, ये जो इनिशिएटिव है। अब मेंबर्स कौन है 17 ग्रुप के, तो यहाँ पे आप मेंबर्स इनके नाम पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन रिसेंटली इन जून अपॉइंटेड एज अ कन्वीनर ऑफ अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ अ रिकॉन्स्टिट्यूटेड जीएसटी रेट रैशनलाइज पैनल। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज, इनका नाम है सम्राट चौधरी, जो डेप्यूटी सीएम है आपके बिहार के, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ इन्होंने जो है सक्सीड किया है सुरेश खन्ना को, जो फाइनेंस मिनिस्टर है आपके यूपी के, फाइन। अब जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन पैनल जो है इसे कंस्टिट्यूट किया गया था, इसे बनाया गया था 2021 में, एंड इट वॉज हेडेड बाय दी बिस्वराज बोमानी, ठीक है। साथ में ही आपको नोट करना है, अब जनवरी 2000, अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी कि इन्हें अपॉइंट किया जाए, तो जनवरी 2024 में जनता दल यूनाइटेड दैट इज जेडीयू और बीजेपी, इन दोनों के अलायंस से गवर्नमेंट बनी थी, आपको पता होगा बिहार में, ठीक है। तो यहाँ पे जो विजय कुमार चौधरी थे फाइनेंस मिनिस्टर बिहार के, उन्हें यहाँ पे सम्राट चौधरी जो है उन्होंने रिप्लेस किया है, ठीक है। तो नई गवर्नमेंट बनी, इस वजह से यहाँ पे अपॉइंटमेंट करना जरूरी हो गया था, फाइन। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो सम्राट चौधरी जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज अपॉइंटेड नवीन चंद्र झा एज इट्स न्यू एमडी एंड सीईओ। तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस जो है इस कंपनी ने अपॉइंट किया है नवीन चंद्र झा को एज इट्स एमडी एंड सीईओ, और ये रिप्लेस कर रहे हैं, इन्होंने सक्सीड किया है किशोर कुमार कोलुदासु को, ठीक है। अब जो नवीन चंद्र झा है, इन्होंने एज अ डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर सर्व किया है एसबीआई में, इस रोल में पे अपॉइंट होने से पहले, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सैटेलाइट दैट वाज सक्सेसफुली लॉन्च्ड बाय नासा व्हिच इज फोर्थ एंड फाइनल सैटेलाइट इन अ गोज आर सीरीज ऑफ एडवांस वेदर सैटेलाइट फॉर NOAA दैट इज नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इस सैटेलाइट का नाम क्या है, इट इज योर गोज यू, क्या नाम है इसका, गोज यू, और ये वेदर सैटेलाइट है, ये मॉनिटर करेगा वेदर ओवर दी नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, सेंट्रल और साउथ अमेरिका या कैरेबियन, ठीक है। तो यहाँ पे ये मॉनिटर करेगा वेदर को, ये क्लियर है। नाउ इसे लॉन्च किया गया था SpaceX Falcon Heavy रॉकेट में, फाइन। नाउ यहाँ पे क्या बोला गया है, वंस इट विल रीच द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इसको रीनेम किया जाएगा एज अ गोज 90, क्या नाम इसको दिया जाएगा, गोज 90, ठीक है, अभी है गोज यू, फाइन। नाउ जो सैटेलाइट है इट विल शिफ्ट टू द गोज ईस्ट पोजिशन एंड इट विल रिप्लेस द गोज 16 इन अ मिड 2025, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैंडेड ओवर द मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट शाफ्ट रॉकेट दैट इज MRMOCR टू द इंडियन नेवी। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये हैंड ओवर किया है इंडियन नेवी को, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे जो इवेंट था, इस इवेंट में जो समीर वी कमात है, ठीक है, जो चेयरमैन है DRDO के, एंड रियर एडमिरल जो है इनको इन्होंने हैंड ओवर किया था, जिनका नाम है ब्रिजेश वशिष्ठ, ठीक है, हैंड ओवर क्या किया था, MRMOCR, ठीक है, मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट शाफ्ट रॉकेट को हैंड ओवर किया गया था, ठीक है। अब इसे डेवलप किसने किया है, इट इज डेवलप्ड बाय DRDO डिफेंस लेबोरेटरी इन जोधपुर राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जून साउथ इंडियाज फर्स्ट एंड लार्जेस्ट लेपर्ड सवारी वॉज लॉन्च एट अ बन्नरघाटा बायोलॉजिकल पार्क इन डैश। तो कौन से स्टेट में ये लॉन्च की गई है, लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी और साउथ इंडिया की पहली आपकी लेपर्ड सफारी, ठीक है। तो इसे लॉन्च किया गया है आपका बन्नरघाटा बायोलॉजिकल पार्क, जो लोकेटेड है कर्नाटका में, ठीक है, इट इज लोकेटेड इन दी बेंगलुरु कर्नाटका, आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ई, फाइन। नाउ जो ये सफारी है ये सेटअप की गई है 20 हेक्टेयर एरिया में, और इसका टोटल कॉस्ट आपका आया है 4.5 करोड़ का, और इसे लॉन्च किसने किया था, जो कैबिनेट मिनिस्टर है फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट के इन गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, जिनका नाम है इनका नाम है ऐश्वर कांद्रे, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली इन जून लॉन्च अ नेशन वाइड कैंपेन ऑन टोबैको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो आंसर आपका हो जाएगा इट वॉज डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी। नाउ अब बात करेंगे कि यहाँ पे जो मैनुअल एक्टिविटीज सजेस्ट की गई है, ठीक है, किस चीज के लिए, टोबैको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए, जैसे पहला आपका पॉइंट है डिस्प्ले करना टोबैको फ्री एरिया एंड टोबैको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन साइनेज। नेक्स्ट है एंश्योर करना कि कोई एविडेंस ना मिले टोबैको यूज़ का प्रमाइसिस में, जैसे सिगरेट बड्स या बीडी बड्स या फिर आपका जो पैकेट्स होते हैं गुटखा के टोबैको के, या स्पिटिंग स्पॉट्स ना मिले, ठीक है। देन पोस्ट अवेयरनेस मटेरियल्स ऑन टोबैको हार्म्स विद इन अ प्रमाइसिस।
नेक्स्ट आपका क्या बोल रहा है, ऑर्गेनाइज करना एटलीस्ट वन टोबैको कंट्रोल एक्टिविटी बाय एनुअली। देन बोला है कि यहाँ पर टोबैको मॉनिटर आपको नॉमिनेट करने हैं, उनके नाम, डेजिग्नेशन और कॉन्टैक्ट नंबर जो साइनेज है उसमें मेंशन होने चाहिए। साथ में ही इसमें इंक्लूड करना है नो टोबैको यूज गाइडलाइंस इन द इंस्टीट्यूशन कोड ऑफ कंडक्ट, तो ये ध्यान में रखना है। साथ में ही बोला गया है कि मार्क करना 100 यार्ड का एरिया फ्रॉम द आउटर लिमिट ऑफ अ बाउंड्री और वॉल फेंस ऑफ अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। देन बैन करना टोबैको सेल्स विद इन 100 यार्ड ऑफ एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड कंडक्ट करना एंटी टोबैको प्लेजेस एज पर एनेक्सर 3rd ऑफ अ इम्प्लीमेंटेशन मैनुअल ऑफ TOFEI। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी हैज रिसेंटली इन जून रिसीव नवरत्ना स्टेटस, तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसे रिसेंटली नवरत्ना स्टेटस दिया गया है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मेजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को। ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आपकी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर, और इसे डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस द्वारा ग्रांट किया गया है नवरत्ना स्टेटस। एंड टोटल अगर बात करें कितनी नवरत्ना कंपनी हो गई है, आंसर आपका हो जाएगा 21 नवरत्ना आपकी हो गई है। ठीक है, इसके अलावा सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है इसे मिनी रत्ना स्टेटस दिया गया है, और ये अनाउंसमेंट की थी जितेंद्र सिंह जी ने जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। एंड ये आपकी सेलिब्रेशन जब गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हो रहा था आपका सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का, उस टाइम पे ये अनाउंसमेंट की गई थी। ठीक है, अब इसी के साथ जो है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है ये 55th आपकी जो है मिनी रत्ना कंपनी बन गई है जिसे ये मिनी रत्ना स्टेटस मिला है। ठीक है, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें, मेजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो है इसके CMD आपके हैं संजीव सिंगल। ठीक है, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1934। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के आपके CMD हैं चेतन प्रकाश जैन, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली दिल्ली में, और इसे 1974 में एस्टैब्लिश किया गया था। ओके, नाउ आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कोई सजेशन है तो यू कैन मेल अस एट benchmarkstudy007@gmail.com और यू कैन कमेंट अस। ओके, सो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।